ओम शांति। 16 मार्च 2023 आज के बाबा की मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, अब वापस घर जाना है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम बच्चे ज्ञान अमृत की महफिल को मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई, माना सृष्टि का 5000 का चक्र अब पूरा हुआ। अब वापस घर अपने परम धाम जाना है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है। बाबा पूछते हैं, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है। बाबा ने उत्तर बताया, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत्य बाप के साथ बुद्धि का संग हो। दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। आज का गीत है, आ गए दिल में तू। आ गए दिल में तू। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। अब कहते हैं, अपनी ऊंच तकदीर, मन लक्ष्मी नारायण बनने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। बाबा कहते हैं, कुसंग से अपनी संभाल करनी है और पतित पावन बाप शिव बाबा के संग से स्वयं को पावन बनाना है। आज का वरदान है, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूरत भव। स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूरत भव। डिटेल है, जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं, जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान होने चाहिए।
जो बच्चे बाप के समान स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं उनसे कभी भी साधारण कर्म हो नहीं सकते। स्वदर्शन चक्रधारी की निशानी है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे और जो सफलता मूर्त हैं वह हर कदम में पद्मा पदम पति हैं। आज बाबू ने बहुत ही विशेष टाइटल दिए हैं बच्चों को। जो बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी होंगे माया जीत होने के कारण वे सफलता मूर्त होंगे और सफलता मूर्त हैं तो वे हर कदम पर पद्मा पदम पति भी हैं। आज का स्लोगन है खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।